भगवान के परम धाम की कथा 2 मिनट श्रवण कर लीजिए। जीवन में जो आया है उसको यहाँ से चलना है। बड़ी ही सुंदर कथा आती है, भगवान अपने परम धाम जाना चाहते हैं, उनके वंशज अधिक धन बल को पाकर अभिमानी होंगे और पृथ्वी पर अत्याचार करेंगे। भगवान ने एक ऐसी सुंदर लीला रची, पिंडारक क्षेत्र में साधु संन्यासी निवास कर रहे थे, तो जामवंती नंदन सांब अपने मित्रों के साथ नारी का रूप धारण करके भगवान ने सुंदर लीला रची। संत पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है जामवती जी, उनके पुत्र सांब नारी का रूप धारण करके अत्रि इत्यादि जो ऋषि हैं वो सब विराजमान हैं, स्त्री का वेश धारण किया और अपने पेट में लोहा बांध लिया। बांध करके गए और संतों से पूछा कि ये बताइए महाराज, हम गर्भवती हैं, देखो कौन है वो जामवंती के पुत्र, अपने मित्रों के साथ साड़ी पहन के गए, झूठ बोल रहे हैं, संतों से नाटक कर रहे हैं, महाराज हम गर्भवती हैं, बताइए पुत्र होगा कि पुत्री। लेकिन वो सिद्ध संत थे, उन्होंने कहा ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, तेरे कुल का नाश करने वाला मूसल जन्म लेगा। और जब खोल कर देखा उसी क्षण तो मूसल था, लेकिन भगवान के पुत्र पौत्रों ने भगवान को नहीं बताया, उग्रसेन जी को जाके बताया और उसका चूरा बनवाया, चूरा कर दिया लोहे का, उसको समुद्र में डाल दिया। भगवान तो द्वारिकापुरी में रहते ही हैं, समुद्र के बीच में भगवान की नगरी थी। जब डाला चूरे को तो एक थोड़ा सा बड़ा सा टुकड़ा बचा रह गया था, वो चूरा नहीं बन पाया था, तो उसको एक मछली ने खा लिया था, निगल लिया था। और जो चूरा था उससे एरका नाम की एक घास बनी, जो तलवार के समान तीक्ष्ण थी। जो टुकड़ा था उसे मछली ने खा लिया, उसे एक मछुआरे ने पकड़ा, मछुआरे ने जब मछली को काटा तब उसे जो टुकड़ा मिला वो बहुत ही अधिक नुकीला था। उस नगर में एक बहेलिया रहता था जिसका नाम था जरा, जरा का अर्थ बुढ़ापा, जरा का अर्थ क्या है, बुढ़ापा। तो जरा नाम का बहेलिया था, उस मछुआरे से उसने ले लिया जरा ने, वो शिकार करता था, अपने बाण की नोक में उसने लगा लिया। कथा बहुत ध्यान से सुनना, भगवान के परम धाम की कथा है। और भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हमारे कुल का भी विनाश हो जाए, नाश हो जाए, क्योंकि अधिक बल धन है उसका ये दुरुपयोग करेंगे, अत्याचार करेंगे। ये है भगवान योगेश्वर। हुआ क्या, भगवान के वंशजों ने मैरेयक नाम की मदिरा पी ली, शराब मतवाले हो गए, और समुद्र के तट पर जो एरका नाम की तलवार के समान घास उगी है आपस में उसी से एक दूसरे को काट कर मर गए। भागवत में लिखा है केवल 4-5 बचे थे, केवल 4-5। भगवान का वंश 56 करोड़ यदुवंशी, लेकिन केवल शेष 4-5 बचे। लेकिन भगवान ने जब उत्पन्न किया तो उन्हें खुशी नहीं हुई, और आज जब उनका विनाश हो गया तो भगवान के एक बूंद आंसू नहीं निकले। भगवान सब कुछ छोड़ करके
प्रभास क्षेत्र में आ गए, एक पीपल का पेड़ है वहां भगवान विराजमान हुए। अपने अपने मन में भगवान का ध्यान करिए, भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बाएं पैर पर दाहिना पैर है और जरा सा पेड़ की जड़ में थोड़ा पेड़ पर अपने आप को टिका लिया है अर्ध शयन अवस्था में, जैसे आराम सोते हैं ना पैर रख के, इस तरह से भगवान लेटे हैं। घुंघराले अलके हैं, बड़े बड़े कमल नल के समान सुंदर नेत्र हैं, जिनके एक एक रोम पर करोड़ों 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 कामदेव न्यौछावर हो जाते हैं। ऐसे भगवान की अद्भुत शोभा है, शंख चक्र गदा पद्म है, सुंदर लाल लाल चरण कमल है। भगवान ने अपने कमर में मुरली होंच रखी है और भगवान के चरण कमल में शंख बने हैं, चक्र बना है, ध्वजा बनी है, अंकुश बना है, कलश बना है, सुंदर बिंदु का चिन्ह है भगवान के चरण कमल में, गौ माता का खुर है, स्वास्तिक है, जांबू फल है इत्यादि भगवान के चरण कमल में सुंदर सुंदर चिन्ह बने हैं। जरा नाम का बहेलिया उस समय शिकार खेलने के लिए निकला, झुरमुट के आड़ से भगवान का चरण उसे हिरण के मुख के समान दिखा, उसने बाण मार दिया, भगवान के चरण कमल में जाकर लगा, रक्त निकला। देखो वही चूरा उसी से जो बाण उन्होंने लगाया था ना जिन्होंने, उसी से भगवान अपने आप को भी विदा कर दे रहे हैं संसार से। भगवान कहते हैं जो आया है उसे जाना होगा, जो सबके लिए बना है भगवान वो खुद के लिए भी कह रहे हैं। जरा नाम के बहेलिए ने जब बाण मारा, रक्त निकला, खून निकला, जब भगवान के चरण कमल से जरा नाम का बहेलिया आया, भगवान के दर्शन को जब किया तो उसने क्षमा मांगी, हे प्रभु आप हमें क्षमा करें। भगवान ने कहा तुमने नहीं मारा, ये हमारी ही इच्छा से हुआ। त्रेता युग में जब हम राम थे और हमने भले ही सुग्रीव के हित के लिए और जब बाण मारा था, तुम बाली थे। सज्जन कहते हैं कि ये जरा नाम का बहेलिया पूर्व जन्म में बाली था, भगवान ने छिप कर राम ने बाण मारे थे, तो आज भगवान कह रहे मैं वो कर्म फल चुका रहा हूं। तुम जाओ स्वर्ग, और भगवान ने उसे स्वर्ग भेज दिया। जब इतना सुना उद्धव ने, भगवान के सखा है, मंत्री है उद्धव, दौड़ कर आए, दारू घोड़े पर सवार, रथ पर सवार होकर। सभी जानते हैं श्री कृष्ण के जो सारथी हैं, अर्जुन के सारथी हैं वो है श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण के सारथी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सारथी हैं जो उनका रथ चलाते हैं, उनका नाम है दारुक। उद्धव जी आए हैं, भगवान ने बहुत प्रकार से ज्ञान दिया, भक्ति ज्ञान वैराग्य सभी प्रकार से कहा, हे नाथ में कैसे रहूंगा। भगवान ने अपनी चरण पादुका दी और कहा तुम बद्रिका आश्रम जाओ, हमारे चरण कमल का ध्यान करो, मुक्त हो जाओगे। उद्धव रोते रोते भगवान के चरण पादुका को लेकर के गए हैं। दारुक आया, दारुक को भगवान ने कहा कि जाओ, जो बचे हैं चार छह वो सब हमारे जाने के पश्चात द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी, कुछ नहीं बचाया भगवान ने। बहुत ध्यान से सुनो, वंश तो चला गया, स्वर्ण की नगरी है। कहते हैं जिस समय हम इस संसार से जाएंगे हमारा स्वरूप ये विलीन होगा, ठीक उसी क्षण स्वर्ण की द्वारिकापुरी वो समुद्र में डूब जाएगी। देखते ही देखते भगवान का जो रथ है उसमें लगी हुई ध्वजा उड़ गया, शंख चक्र गदा पद्म सब आकाश में उड़ गया। आज भगवान जब महाप्रयाण कर रहे हैं तो आकाश में 35 कोटि देवता, देवी, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, गरुड़ इत्यादि लोक के पक्षी, सभी प्रकार के नाग, सभी भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी आए हैं। दारुक रोता रोता जा रहा है, जाकर उधर बताया भगवान की द्वारिकापुरी डूबने ही वाली है,
दारू पहले पहुंच करके सबको बता दिया, जो भी बचे थे दो चार से वो बाहर निकल आए। उसके बाद में अर्जुन आए, अर्जुन को भगवान ने कहा हमारी पत्नियों को लेकर के जाओ, अब हम जा रहे हैं। देखो कितनी आसानी से भगवान मुस्कुरा रहे हैं, इतना कुछ बनाया और मिट गया। यही जीवन का है, जीवन में बनाते समय मिलते समय तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब कोई चीज समाप्त होती है तो हमें दुख होता है। यही कृष्ण, यही भगवान श्री कृष्ण है, योगेश्वर यही है। इन्हीं को कहते हैं भगवान, कुछ मिला तो खुशी नहीं, कुछ गया तो दुख नहीं। और एक कथा सुनकर यही तो हमें जानना है। उसके पश्चात थोड़ी ही देर में एक अलौकिक घटना हुई कि सारे देवी देवताओं के, यक्ष किन्नर गंधर्व के देखते देखते भगवान श्रीमद् भागवत कथा में विलीन हो गए, अपने स्वरूप का प्रवेश कराया। बोले भागवत भगवान की, इसलिए कहा जाता है तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात श्रवणात पाठात दर्शनात पापनाशिनी। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान कहीं गए नहीं, कलयुग के जीवों के लिए भगवान भागवत में बैठे हैं, ये साक्षात भगवान ही है। जो भी इसका श्रवण करता है दर्शन करता है उसका कल्याण होता है। वाजपेयी जी ने भी कथा सुनी, यजमान बनकर आप सभी ने श्रोता साथ दिया, क्योंकि श्रोता के बिना भगवान की कथा कहाँ है। तो जो जिस भाव से भगवान के सच्चे भक्ति भाव से श्रवण करता है भगवान उसको उस कामना से परिपूर्ण करते हैं। आप सभी ने सुना, तो भगवान आप सभी के जीवन में मंगल करें, आप सभी का कल्याण करें। देखो भगवान तो चले गए राजा परीक्षित को कथा, राजर्षि परीक्षित को गंगा के तट पर भगवान सुखदेव कथा सुनाने, और आज वो सातवां दिन है क्योंकि श्रृंगी ऋषि जो समीक ऋषि के पुत्र है उन्होंने श्राप दिया था कि आज के सातवें दिन तक्षक दस लेगा, आज वो सातवां दिन है। जबकि परीक्षित के पुत्र है जनमेजय, जनमेजय ने बहुत व्यवस्था की है लेकिन काल को रोकने की कोई व्यवस्था है नहीं। चाहे आप कितने डॉक्टर से दवा ले लो, कितने भी अच्छे खा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन काल को रोकना असंभव है। जागना है हमें, जाग जाना। इसी बात को समझने के लिए आपने सात दिन कथा सुनी, बहुत प्रकार से व्यवस्था कराई, लेकिन तक्षक एक फूल में बैठ कर आता है। राजर्षि परीक्षित है और इधर भगवान सुखदेव कथा सुना रहे हैं। राजर्षि परीक्षित से भगवान सुखदेव ने पूछा कि हे परीक्षित, तुमने जितने भी प्रश्न किए मैंने उन सबका उत्तर दिया, अब एक प्रश्न मैं करता हूँ उसका उत्तर तुम दो। कहा भगवान क्या है ये बताओ, क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोले नहीं, अजोयम शाश्वतोयम, मैं शाश्वत हूँ, मैं मरूंगा नहीं। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मृत्यु को प्राप्त होती है। बहुत ही सुंदर उपदेश किया और कहा कि मैं जान गया हूँ कि ये तो एक घड़ा मात्र है, ये शरीर क्या है, घड़ा टूटेगा टूटेगा दबेगा खत्म होगा, लेकिन इसमें जो आत्मा है ये घटा महाकाश है। महाकाश अर्थात सम, देखो ये सब आकाश ही खाली स्थान तो है, लेकिन जितने घड़े रखो उतना स्वरूप दिखेगा, उतने ही घड़े में आपको छोटे छोटी जगह दिखेगी। तो ये छोटी छोटी जगह इसलिए दिख रही है हम सब अलग अलग, क्योंकि ये घड़े में हम बैठे हैं, घड़ा आ गया है। आकाश वो आत्मा तो समान रूप से व्याप्त है, लेकिन ये घड़ा शरीर रूपी घड़ा आ गया है, तो हम भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में हम सभी एक हैं। यही बात कही राजर्षि परीक्षित ने। उसके पश्चात परीक्षित के लिए भगवान के धाम से विमान आया, परीक्षित कथा सुनकर भगवान के धाम को पहले चले गए। शरीर बैठा है और तक्षक आता है, दस लेता है, उसी क्षण परीक्षित का समय जल करके राख हो जाता है, लेकिन उससे ही पहले परीक्षित मुक्त हो चुके थे। अर्थात हम सभी मृत्यु आने से पहले मुक्त हो जाए। मौत तो आ रही है और जब कोई चल चुका है तो रास्ता तो कट ही जाएगा। तो
निकल चुका है हम सभी के लिए, सबके लिए निकल चुका है। तो बस इसी का अनुभव हमको करना है कि वह परम ब्रह्म परमात्मा जो दीन बंधु है, कृपा सिंधु है, हम सब पर हो कृपा। जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे देवों में भगवान अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, ऐसे ही ग्रंथों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। बोले भागवत भगवान की जय। कलयुग में जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोष बहुत है लेकिन एक गुण है। मैंने आपसे बार बार चर्चा की है, लेकिन चलते चलते फिर एक बार आप सभी से कहेंगे कि जो फल सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, कलयुग द्वापर में पूजा से, कलयुग में वही भगवान के नाम से प्राप्त हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कलेर दोष निधे राजन निस्तिये को महान गुणा कीर्तनाद देव कृष्णश्च मुक्त संघ परम ब्रज। देखो ये अंतिम क्षण है, विश्राम है भागवत का, इसलिए आप सभी का मन एक सेकंड के लिए भी कहीं ना जाए। परीक्षित जी ने यही सोच करके कलयुग को छोड़ दिया था कि सबसे श्रेष्ठ गुण है कि भगवान का नाम हमें पवित्र करता है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, अब कल विशेष नहीं आन उपाव। कलयुग में विशेष नाम की महिमा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनः तम नमामि हरिं पर। कलेर दोष निधे राजन यस्य, को एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में, क्या? भगवान का नाम। दोष तो बहुत है लेकिन नाम की महिमा सबसे अधिक है। और संत ने कहा है, तुलसीदास जी ने भी यही बात कहा है, अल्प को अवध जीव। बहुत ध्यान से सुनना इस पंक्ति को, ये सार आपको हम सुना रहे हैं, सार। अल्प को अवध जीव, बहुत थोड़ा सा समय है हमारे जीवन का। अल्प अल्प माने थोड़ा, अल्प को अवध जीव तामे बहु सोच कोच। थोड़ा सा जीवन, उसमें बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे काम थे, पूरे करने की कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं, हम अभी भी अधूरे हैं। अल्प को अवध जीव तामे बहु सोच पोच करीबे को बहुत कछु, काह काह कीजिए। छंद के प्रबंध अनेक, राग अति रसीले रस कहां कहां पीजिए। और सब बातन की एक बात, सब बातन की एक बात तुलसी बताए ना, और जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। तो बस सार यही है भैया कि बहुत थोड़ा सा जीवन है और बीत चला है, जो बचा है वो बीतते देर नहीं लगेगी। तो राम नाम सत्य है हमारे साथ ना, उससे पहले हम राम को जान ले। हमारे पीछे दूसरे बोलते हैं, क्यों? वो ये दिखाते हैं, भैया ये जा रहा है, इसके पीछे कौन जा रहा है? राम नाम जा रहा है कि नहीं? क्यों बोला जाता है? क्यों? इसके पीछे राम नाम जा रहा है। तो अगर अपना जीवन सुधारना चाहता है तो अभी से राम नाम। वो मुर्दा बताता है कि भैया हमारे पीछे राम नाम लगा है, तो तुम जीते जी राम का नाम ले लो। तो हम सभी बस यही कि हर पल हर क्षण हर काम में हर कर्म में भगवान के नाम को साथ रखे, जितना अधिक से अधिक हो पाए इस मानव जीवन को सुधारने का प्रयास करना। कथा सुनी है, जो ठीक लगे उसे रख लेना और जो ना ठीक लगे वो सुनना ही नहीं, वो लेना ही नहीं। एक संत को किसी ने बहुत गाली दी लेकिन वो दुखी नहीं, वो बोले आप तो परेशान नहीं हुए? वो बोले आपने दिया हमने लिया नहीं, तो हमें परेशानी क्यों? आप दे रहे हैं। अब वो खुद ही बड़ा दुखी हो गया, निराश, बोल कर थक कर चला गया। तो सुनने वाले जो संत थे मुस्कुराते रहे, लेकिन जो गाली देता था वो थक गया। तो क्या है अर्थ? आप आनंद से, खुशी से, जो आपको जीवन में किसी से भी ना अच्छा लगे ना, तो आपको सुखी होने का एक ही मंत्र है, जो ना अच्छा लगे घर में, परिवार में, समाज में, आप उसका त्याग कर दो, और जो कहीं बढ़िया लगे वो आप साथ साथ लेंगे। तो ये दुख से सुख की ओर, ये हानि से परम लाभ की ओर, और बिंदु से कृपा सिंधु की ओर, ये आप सभी को हमने जो भी अपने गुरु कृपा जी श्रवण किया, अध्ययन किया, वो आप सभी को सुनाया। तो आइए हम सभी भगवान के नाम के साथ में कथा को विश्राम देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ
वितरित करना है वो आप